iOS 16 करना है, विजेट्स आपको ऐड करना है, रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, पोको, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप काफ़ी इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐसा आपको जो है स्क्रीन टाइम देखने मिल जाएगा, कैलेंडर, गूगल सर्च और फिर आपका फोल्डर्स और कंट्रोल सेंटर और भी काफ़ी विजेट्स का ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो और ये कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में काफ़ी इजीली काम कर जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा, एक ऐप है, एक ऐप से आपका सभी कुछ जो है हो जाने वाला है। बस आपको उसके लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। पसंद आता वीडियो जाओ एक छोटा सा काम करो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। तो इसके लिए एक ऐप है जो कि iOS विजेट्स के नाम से है, लास्ट में जो है ऐप का नाम प्रॉपर दिखा दिया जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट जो कैटेगरी वो आपका क्लॉक्स का देखने मिलता है, इसमें आपको काफ़ी मतलब 8 डिफरेंट क्लॉक्स का विजेट्स देखने मिलता है जो कि कोई भी डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ हो सकता है। अब कैसे सेट करना है या ऐड करना विजेट्स वो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, तो उसके लिए भी वेट करो, स्किप मत करो, पूरा देखो वीडियो। और फिर बैटरीज का ऑप्शन देखने को मिलता है, बैटरी का विजेट्स, फिर कैलेंडर का विजेट्स देखने को मिल जाता है जो कि कुछ प्रीमियम विजेट्स भी है वो भी ऐड हो जाता है फ़ोन पे तो डायरेक्टली हो जाएगा। फिर वेदर्स का विजेट भी देखने को मिल जाएगा, तो वेदर का काफ़ी ज़्यादा विजेट्स है जो कि आई गेस 8 विजेट्स, 9 विजेट्स ज़्यादातर जो विजेट्स देखने को मिल जाता है 8-9 बस ये नंबर्स पे। और फिर जो डैशबोर्ड का एक विजेट है जो कि ये प्रीमियम वाला विजेट है। और फिर बचता है फोटोज़, तो फोटोज़ के लिए 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। फिर गूगल का बचता है तो गूगल में 6 देखने को मिलता है, तो 6 भी अच्छा मतलब अच्छा वैराइटीज़ ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी सभी कुछ है, नोट्स का भी ऑप्शन है तो नोट्स में 2 देखने को मिलता है। फिर कंट्रोल सेंटर 1 देखने को मिलता है और 2-4 टाइप्स का कंट्रोल सेंटर का विजेट्स होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट हाँ जो भी है काफ़ी अच्छा है, नहीं होने से बेटर कुछ होना है। म्यूजिक्स का है मतलब म्यूजिक का है, नोट्स का है और फिर ये हो गया मून फेजेस। और Spotify का भी 4 विजेट्स देखने मिलता है, सभी प्रीमियम है। और सिस्टम इन्फो का भी देखने मिल जाता है, 9 आई गेस 9 विजेट्स है इसका, तो ये भी देखने मिलता है। तो सभी कुछ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो भी विजेट पसंद है बस ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है। फिर बचता है एयर क्वालिटी, कॉन्टैक्ट्स, ये सब ऑप्शन है तो ट्राई करके देखो, जो भी है खींचो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और बस सेट करो अपने हिसाब से, जो है कस्टमाइज करो अपना होम स्क्रीन को और ऐसे इंटरेस्टिंग विजेट्स को ऐड करो। अब ये कैसे मतलब ऐड हो सकता है, तो पहले तो एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि इसका नाम है iOS विजेट्स। ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्टली प्ले स्टोर में भी जाके सर्च कर सकते हो iOS विजेट्स, तो जाओ सर्च करो और डाउनलोड करो। फिर डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है आपको iOS विजेट्स को, नहीं ओपन नहीं करना है तो बस जाना है होम स्क्रीन में आपको इंस्टॉल होने के बाद, और फिर होल्ड करके जाना है विजेट्स का ऑप्शन में, फिर ऐप्स विद मल्टीपल विजेट्स में जाना, फिर एंड्रॉयड विजेट्स में टैप करना, एंड्रॉयड विजेट्स में टैप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद iOS विजेट्स का पूरा जो कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगा। तो बस अब जो भी विजेट पसंद आ रहा है उसको पकड़ो, खींचो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो और रिसाइज करो, बताओ कैसा लगा ये नया विजेट्स iOS से इंस्पायर्ड। फिर ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, थीम ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर डिस्प्ले टाइल मतलब विजेट टाइटल ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपने हिसाब से डार्क लाइट मोड सेट करो, रिसाइज करो और बताओ कैसा लगा ये सभी विजेट्स। आई होप ये वीडियो और ये विजेट्स पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जाओ लाइक मारो, लाइक की भी 121 रखते हैं, कंप्लीट करो वीडियो को, शेयर करो, कुछ पूछना नीचे सजेस्ट करो, कमेंट करो और कुछ नया टॉपिक है तो भी सजेस्ट करो, वीडियो बन जाएगा उस पर। और शेयर कर दो उस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।